हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे अपना साइंस का चैप्टर 8, सेफ्टी फर्स्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि हमें खुद को सेफ कैसे रखना चाहिए। होम में हम खुद को कैसे सेफ रखें, स्कूल जाते हैं हम वहाँ क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखें, स्विमिंग पूल में एंड पार्क में, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें खुद की सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखना है, हमें क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए एंड फर्स्ट एड क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, सेफ्टी फर्स्ट। सो हम एक बार देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में क्या सेफ्टी का ध्यान रखें, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन रोड, सेफ्टी इन प्ले ग्राउंड, सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड फर्स्ट एड। सो हम स्कूल, होम, रोड, प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल एंड फर्स्ट एड, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाई डू वी हैव ट्रैफिक लाइट्स ऑन द रोड? रोड पे हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ ट्रैफिक लाइट लगी होती है। क्यों लगी होती है, क्या यूज है ट्रैफिक लाइट का रोड पे लगना? सो ट्रैफिक लाइट्स क्यों लगी होती है? जिससे कि रोड की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। जो व्हीकल्स चलते हैं या जो हम लोग फुटपाथ पे वॉक करते हैं, सो एक्सीडेंट्स बचाने के लिए, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए उसके लिए ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि कब हमें वॉक करना है, कब हमें स्टॉप रहना है। सो इसलिए ट्रैफिक लाइट्स इंपॉर्टेंट है। एनसर्कल द ऑब्जेक्ट्स विद अ रेड क्रेयॉन दैट कैन हार्म यू। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दी है, हमें इस इमेजेस को ध्यान से देखना है एंड जो इमेज जिस ऑब्जेक्ट से हमें हार्म हो सकता है, हमें दिक्कत हो सकती है, हमें कुछ इंजरी हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट को हमें सर्कल करना है। सो अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सो उसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें कैक्टस प्लांट दिख रहा है। हमें पता है कैक्टस प्लांट पे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, सो जिससे हमें हार्म हो सकता है, वो कांटे हमें चुभ सकते हैं, सो ये हमारे लिए हार्मफुल है, सो इसको हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है बनाना। बनाना से कोई हार्मफुल नहीं है, बनाना तो हमारे लिए स्ट्रांग होता है, हमें तो खाना चाहिए बनाना, सो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें दिख रहा है ग्लास। ये ग्लास को अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्लास ब्रोकन है, ये टूटा हुआ ग्लास है जिसका कांच हाथ में चुभ सकता है, सो ये हमारे लिए हार्मफुल है, सो इसको भी हम सर्कल करेंगे। इसी तरीके से आपको बाकी इमेजेस भी देखने और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको हार्म कर सकता है, उसको सर्कल करना है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप आवरसेल्फ सेफ, वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर्स टू, हियर आर सम सेफ्टी रूल्स यू मस्ट फॉलो। अब हमें खुद को सेफ रखने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, और सिर्फ खुद को ही नहीं, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे साथ और लोग हैं, हम उनकी भी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो पहले हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट स्कूल आफ्टर होम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो फ्यू सिंपल सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। हम अपना काफ़ी सारा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं होम, घर के बाद, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे कुछ सेफ्टी रूल्स का बहुत ध्यान रखो, आप उनको फॉलो करो। सो हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स हैं। डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन डेस्क एंड चेयर्स, यू मे फॉल एंड गेट हर्ट। आपको बिल्कुल भी टेबल या डेस्क चेयर पे स्कूल में जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, आप उस पर क्लाइंब करोगे, आप उस पर जंप करोगे, सो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल क्लाइंबिंग अप और गेटिंग डाउन द स्टेयर्स। जब आप स्कूल में स्टेयर्स पे चढ़ते हो या उतरते हो, सो आपको एक दूसरे को पुश नहीं करना है, उससे क्या होगा, आप गिर सकते हो या कोई और आपका फ्रेंड गिर सकता है और आपको या उसको चोट लग सकती है। वी शुड मेक अ क्यू एट द बस स्टॉप एंड द प्रेयर ग्राउंड। जब आप बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे होते हो, आप बस में चढ़ना होता है आपको, या आप प्रेयर ग्राउंड में होते हो, सो आपको एक क्यू में खड़ा होना चाहिए, मतलब आपको एक लाइन में खड़ा होना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश एनी बडी वाइल एंटरिंग और लीविंग द क्लास। अब क्लास में एंटर करते हुए या बाहर आते हुए आपको किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। नेवर थ्रो चॉक्स और डस्टर्स ऑन अदर। कभी किसी दूसरे के ऊपर चॉक या डस्टर नहीं फेंकना चाहिए, आपको अपनी क्लासमेट के ऊपर चॉक या डस्टर नहीं फेंकना चाहिए। नेवर बाय ईटेबल्स फ्रॉम हॉकर्स।
और जो हॉकर्स होते हैं, जो ये स्ट्रीट फूड होता है, आपको इनसे कुछ भी खाने का नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं, वो डर्टी हो सकता है, अनहाइजीनिक हो सकता है। सेफ्टी एट होम, अब आपको घर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट प्ले विद द आर्टिकल्स लाइक सीजर्स, शार्प नाइफ, ब्लेड एक्सेट्रा। अब जो आर्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स बहुत शार्प होते हैं, जिनसे आपको हार्म हो सकता है, आपको उनसे खेलना नहीं चाहिए। जैसे आपको सीजर्स से नहीं खेलना चाहिए, शार्प नाइफ से नहीं खेलना चाहिए, और ना ही ब्लेड से खेलना चाहिए। इस तरह के जितने भी शार्प आइटम्स होते हैं, आपको उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे आपको रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक स्विचेस और डिवाइसेस, आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस या डिवाइसेस, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ होती हैं, आपको उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। आपको उनसे करंट लग सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, सो उनसे भी आपको खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट फायर विद मैच स्टिक, आपको मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, आप उसको फायर नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल नियर द गैस स्टोव, डू नॉट टच हॉट पैंस। गैस स्टोव के बाद पास भी आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और जितने भी हॉट पैंस, हॉट यूटेंसिल्स होते हैं, आपको उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, आपका हाथ जल सकता है। सेफ्टी ऑन रोड, अब आपको रोड पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द रोड, क्रॉस इट व्हेन इट इज क्लियर। रोड क्रॉस करते हुए आपको बहुत आराम से क्रॉस करनी चाहिए, आपको दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड अच्छे से देखना चाहिए, कोई व्हीकल ना आ रहा हो तब आपको उस रोड को क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, आपको हमेशा वॉक कहाँ करना चाहिए रोड पे, या तो आप फुटपाथ पे वॉक करो, या फिर जो सेफ साइड होती है रोड की, उस पे आपको वॉक करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, नेवर प्ले ऑन द रोड, आपको हमेशा रोड कहाँ क्रॉस करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, रोड पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स बनी होती है स्पेशली रोड क्रॉसिंग के लिए, सो वहीं से आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए, एंड रोड पे कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए। लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स, द रेड लाइट सेज स्टॉप, द येलो लाइट सेज वेट, द ग्रीन लाइट सेज गो। अब जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, सो उन ट्रैफिक, तीन ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसमें, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब उन ट्रैफिक लाइट्स का मतलब क्या होता है, रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब है स्टॉप, जो आपको इंडिकेट करती है कि आपको वहीं रुक जाना है, अब आपको मूव नहीं करना है। येलो लाइट आपको कहती है वेट, अब आपको वेट करना है। नेक्स्ट ग्रीन लाइट आपको कहती है गो, यानी ग्रीन लाइट होने का इंडिकेशन है कि अब आप वॉक कर सकते हैं, अब आप मूव कर सकते हैं। व्हाई आर द ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स यूज फॉर क्रॉसिंग द रोड कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। अब हमने जो ये ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ा, जिनका हम यूज, जिनके जिनके ऊपर हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, हमें ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उस पर ही हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, सो उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो जेब्रा एनिमल होता है उसकी बॉडी पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, और रोड पे भी ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ही होती है, सो ये जेब्रा से सिमिलर होती है, जेब्रा की बॉडी से सिमिलर होती है, इसीलिए इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग होता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी इन प्ले ग्राउंड, अब हमें प्ले ग्राउंड में जब हम खेलने जाते हैं, सो हमें प्ले ग्राउंड में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी कैसे फॉलो करनी चाहिए। नेवर प्ले रफ गेम्स, ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स, हमें कभी भी रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल सेफ गेम्स जिनसे हमें चोट नहीं लगे, हमें इंजरी ना हो, ऐसे गेम्स हमें खेलने चाहिए। नेवर प्ले नियर पॉन्ड्स और रिवर्स, पॉन्ड्स और रिवर्स के पास नहीं खेलना चाहिए। बी फेयर इन गेम्स, वेट फॉर योर टर्न। प्ले विद अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डू नॉट हिट एनी बडी विद अ बैट, बॉल और अदर थिंग्स। हमें बिल्कुल भी, हमें गेम में फेयर रहना चाहिए, हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल फेयर गेम हमें खेलना चाहिए, एंड बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, यहाँ आप एक स्पोर्ट्समैन हो, इस स्पिरिट के साथ आपको उसको खेलना चाहिए, एंड ये नहीं कि आप कब, आप अपने बाकी फ्रेंड्स को आप बैट से हिट कर रहे हो, या आप बॉल से मार रहे हो, या आप किसी और चीज से मार रहे हो, ऐसे मारना नहीं चाहिए, किसी को पुश नहीं करना, किसी को इंजरी नहीं पहुंचानी है, अच्छे से मिलकर खेलना है सबके साथ, सो ये कुछ बातें आपको प्लेग्राउंड में ध्यान रखनी चाहिए। सेफ्टी इन स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, डू नॉट जंप इन टू डीप वॉटर, यूज एयरफुल ट्यूब फॉर स्विमिंग। स्विमिंग पूल में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो हमें स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, और जो इतना डीप वाटर होता है उसमें हमें स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, जो
थोड़ा कम डीप वाटर होता है उसमें जाना चाहिए, वो भी किसी के साथ, अकेले नहीं जाना चाहिए। एंड स्विमिंग करते हुए ऑलवेज हमें एयर फिल्ड ट्यूब यूज करनी चाहिए। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमें ये जितने भी चिल्ड्रन दिख रहे हैं सबने एयर फिल्ड ट्यूब लगाई हुई है, उसके बाद ही वो स्विमिंग पूल में हैं, अंदर स्विमिंग कर रहे हैं। सो ये एयर फिल्ड ट्यूब हमें सेफ रखती है, जिससे कि हम वाटर में ड्राउन ना हो, हम उसमें डूबे ना। सो हमें एयर फिल्ड ट्यूब का यूज करना चाहिए स्विमिंग पूल में। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड मीन्स द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इमिडिएटली। इफ यू गेट इंजर्ड एट होम, रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स। इफ समवन एल्स गेट्स इंजर्ड, कॉल अ डॉक्टर। अ गुड फर्स्ट एड विल मेक यू फाइन सून। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड मतलब एक वो हेल्प जो किसी को अगर इंजरी हो गई, किसी को चोट लग गई है, तो जो सबसे फर्स्ट हेल्प आप उसको प्रोवाइड करोगे उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। एकदम चोट लगते ही जो आप इमिडिएटली उसको हेल्प प्रोवाइड करते हो, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। सो अगर आप घर पे हो, आपको चोट लग जाती है, सो आपको अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, या जो और घर में बड़े लोग हैं, आपको उनको बताना चाहिए। और अगर किसी और के चोट लग जाती है तो आपको डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इंजरी होते ही फर्स्ट एड मिल जाती है, एक अच्छी फर्स्ट एड मिल जाती है, सो उससे आप जल्दी ठीक हो जाते हो। सो अब इस चैप्टर को सम करते हैं। सेफ्टी रूल्स कीप्स अस सेफ। नेवर प्ले विथ फायर, इलेक्ट्रिक एंड शार्प आर्टिकल्स। यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ये सेफ्टी रूल्स हमें क्यों फॉलो करने चाहिए? क्योंकि सेफ्टी रूल्स फॉलो करने से क्या होता है, हम सेफ रहते हैं। एंड हमें कभी भी फायर से नहीं खेलना चाहिए, और जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो शार्प आर्टिकल्स होते हैं, उनसे हमें प्ले नहीं करना चाहिए। रोड क्रॉस करते हुए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए, एंड वॉक हमें ऑलवेज फुटपाथ पे करना चाहिए। अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। अब आपको इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। इट इज सेफ टू प्ले विद, किससे खेलना, किससे प्ले करना सेफ है। सो टॉयज से प्ले करने में कोई हार्म नहीं है, हम टॉयज से खेल सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ है। नेवर प्ले डैश गेम्स। हमें कभी भी कैसे गेम्स नहीं खेलने चाहिए? रफ गेम्स, जिन गेम्स से हमें चोट लग सकती है, हमें हार्म हो सकता है, ऐसे गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए। द रेड लाइट सेज। रेड लाइट हमें क्या इंडिकेट करती है, क्या बोलती है हमें? रेड लाइट हमें स्टॉप करने को बोलती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें इस बॉक्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डू नॉट क्लाइंब और जम्प ऑन। हमें किस पे क्लाइंब या जम्प नहीं करना चाहिए? हमें डेस्क एंड चेयर पे हमें नहीं कूदना चाहिए, उससे हमें चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विद डैश थिंग्स। अब हमें कैसी ऑब्जेक्ट, कैसी थिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए? हमें शार्प थिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। बी केयरफुल नियर द। हमें ऐसा कौन सी ऑब्जेक्ट है जिसके आसपास हमें केयरफुल, हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए? सो गैस स्टोव के पास हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, हमें हॉट पैन्स को भी टच नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्विम इन डैश वाटर। अब हमें कैसे पानी में स्विम नहीं करना चाहिए? हमें डीप वाटर में स्विम नहीं करना चाहिए। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एस फॉर द फॉल्स वंस। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमें एस लिखना है। वी शुड नॉट क्लाइंब ऑन चेयर और टेबल। हमें चेयर और टेबल पे क्लाइंब नहीं करना चाहिए, हमें उन पे जंप नहीं करना चाहिए। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये अच्छी आदत है, सेफ्टी रूल है ये, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। वी कैन प्ले ऑन रोड। हम रोड पे खेल सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, उससे हमें हार्म हो सकता है, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है रोड पे, सो ट्रू स्टेटमेंट। वी शुड नॉट प्ले ऑन स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स पे खेलना नहीं चाहिए, ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट है। ना हमें स्टेयर्स पे खेलना चाहिए, ना हमें उस पर जम्प रन या पुश नहीं करना चाहिए किसी को भी, इन सब से हमें इंजरी हो सकती है, हमें हार्म हो सकता है, सो ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि हम किस तरीके से, किन किन रूल्स को फॉलो करके हम खुद को सेफ रख सकते हैं, एंड सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स को एंड अपने सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं सबको कैसे सेफ रख सकते हैं। सारे रूल्स के बारे में हमने पढ़ा,
स्कूल में खुद को कैसे सेफ रखें, होम में, स्विमिंग पूल में, प्लेग्राउंड में, हर जगह खुद को कैसे सेफ रखना है, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। एंड फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में भी हमने समझा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।